तो रूस में विदेशी निवेश के दरवाजे बंद हो जाएंगे और उसकी जीडीपी 5% तक गिर जाएगी। ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। 2012 में ईरान पर इस तरह के प्रतिबंध से तेल की कमाई आधी रह गई थी, आपको याद होगा। ये देखिए 2012 की बात हम आपको यहाँ बता रहे हैं। इसके अलावा पुतिन ये जानते थे कि यूक्रेन पर हमले के बाद इस तरह के प्रतिबंध लगाए जाएंगे, इसके लिए पुतिन ने तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी थी। ये रूस की तैयारी थी क्योंकि 2012 का उन्हें एक्सपीरियंस था। स्विफ्ट की बाढ़ से बचने के लिए पुतिन ने SPFS नाम का एक विकल्प तैयार कर लिया। अब ये SPFS क्या है? SPFS से 23 विदेशी बैंक समेत रूस के 400 बैंक जुड़ चुके हैं। ये एक विकल्प था जो पुतिन ने तैयार किया था और रूस अपने घरेलू पेमेंट का 20% SPF से करता है। ये एक बहुत बड़ा कदम रूस ने उठाया। इसके अलावा रूस चीन का पेमेंट सिस्टम CIPS का भी इस्तेमाल करता है। उसने CIPS को भी इस्तेमाल किया और रूस की तैयारी क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल करने की भी है, जिससे दुनिया भर में बहुत ज्यादा चर्चा है। तो क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल करने की भी, लेकिन एक बार फिर से चैलेंज बन चुका है। मतलब ये हुआ कि बड़ी खबर इस वक्त एक और आ रही है। रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी ल्यूक ऑयल का बयान आया है। ल्यूक ऑयल ने कहा है कि ये युद्ध रुकना चाहिए, यूक्रेन से युद्ध को बंद होना चाहिए, रुकना चाहिए, इससे जबरदस्त नुकसान हो रहा है। ये रूस की तेल कंपनी है, रूस की एक बड़ी तेल कंपनी है, या यूं कहें ये रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी है जिसका नाम है ल्यूक ऑयल। ल्यूक ऑयल की तरफ से अब ये बयान आया है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है वो युद्ध रुकना चाहिए क्योंकि इस युद्ध से हमें जबरदस्त नुकसान हो रहा है। अब रूस में भी इस तरह के स्वर, इस तरह की आवाजें उठने लगी हैं और वो आवाज ये है कि ये युद्ध जो है वो बंद होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अब रूस में ही रूस का विरोध हो रहा है, रूस की ही कंपनियां इस तरह से रूस का विरोध कर रही है। लेकिन जो घबराने वाली, चिंता में डाल देने वाली खबर यह है कि यूक्रेन में तबाही अभी और बाकी है क्योंकि रूस बातचीत तो करना चाहता है लेकिन हमले रोकना नहीं चाहता। यूक्रेन बार बार ये कह रहा है कि रूस और उसके सैनिक वापस जाएं। अमेरिका ने कहा युद्ध रोक दीजिए, हम बातचीत करेंगे, मध्यस्थता करेंगे, लेकिन तबाही अभी बाकी है। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। आज तक बी मिसाल बी सॉक पावर्ड बाय ईविक्स कैश, हर खुशी के लिए काफी है। प्रेजेंटेड बाय केसरी मरहम एम तेलम, वर्षों से दर्द में सबसे ज्यादा असरदार। Ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Всех из более чем 300 национальных групп, этнических групп России просто невозможно перечислить. Думаю, вы меня понимаете. Но я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России. Вместе с тем, никогда не откажусь от своего убеждения, что русские и украинцы – это один народ. Даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали, многие оболванили нацистской националистической пропагандой. А кто-то сознательно, конечно, пошел по пути бандеровцев, других приспешников нацистов, которые в годы Великой Отечественной войны воевали на стороне Гитлера. И то, что мы воюем именно с неонацистами, показывает сам ход боевых действий. Националистические и неонацистские формирования, а среди них есть и иностранные наемники, в том числе из Ближнего Востока, прикрываются мирными гражданами, как живым щитом. Я уже говорил, есть абсолютно объективные данные, фотографии того, как они размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах.